निनांग एरिंग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे ये एक प्रश्न पूछने को आपने एक मौका दिया। आपके माध्यम से हमारे जो आदरणीय संचार मंत्री से, ये जो आपका जो मूल प्रश्न है वो गुटबंदी यानी मर्जर के विषय में था, तो उसका जवाब तो मैंने देख लिया। लेकिन एक चीज़ है कि पूर्वोत्तर राज्यों में या खासतौर अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि कोई किसी का बिजली का किल्लत होगा, पानी का किल्लत होगा या हमारे दूरसंचार का किल्लत होगा, तो लोग उसमें क्या होता है, चुप रहते हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उन बहुत ही शांति तरह से रहते हैं। लेकिन अभी आपको मैं, मेरा जो प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला है ये है कि अभी सर पिछले साल से आपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक टेंडर आप दिया था, मैंने कई चिट्ठियाँ आपको भी लिखा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने लिखा है, तो इसका अभी तक कोई जवाब या उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। इसमें आप क्या निर्णय लेंगे कि इसका जो टेंडर प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी शीघ्र जो ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल का जो ये जो है वहाँ, उस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसको अगर शीघ्र ही नहीं करेंगे तो वहाँ अभी दूर संचार का जो अवस्था है वो अभी भी नहीं सुधरा है। धन्यवाद मैम। अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं, एक वो ऑप्टिकल फाइबर ले करने का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में और दूसरा मोबाइल कनेक्टिविटी का। जहाँ तक मोबाइल कनेक्टिविटी का सवाल है, इस देश में अनेक ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कुछ चिन्हित किए हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वे टेंडर हो गए हैं और शीघ्र हम काम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर ले कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य पहले फेज में एक लाख ग्राम पंचायतों तक ले जाना है, जिसमें 90,000 तक हम ले गए हैं और मुझे लगता है कि 15 मई तक उस काम को हम पूरा कर लेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के भी उन गाँवों में हम पूरा करेंगे। जो सेकेंड फेज है उसमें शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को हमें पूरा करना है, जिसमें मुझे लगता है कि देश की सभी ग्राम पंचायतों तक हम ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाएंगे और हाई स्पीड इंटरनेट देने में समर्थ होंगे। वो प्रधानमंत्री जी और इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उस काम में कोई लापरवाही नहीं होगी। थैंक यू।